बहुत स्वागत है। बच्चों को तो रोज रोज नया नया खाना होता है और इस लॉकडाउन में बच्चे तो रोज रोज कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, तो घर में कुछ चीजें पड़ी थी उसी से मैंने लॉकडाउन स्पेशल ब्रेड ऑमलेट बनाया है। तो चले बनाना हम शुरू करते हैं। एक बाउल में हम लेंगे बेसन, मैंने आधा कप बेसन लिया है। बेसन में आधा चम्मच हम देंगे अजवाइन, हल्का सा क्रश कर लेंगे। दो हरी मिर्च महीन कटी हुई, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर थोड़ी सी, अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए हमें एक बैटर बना लेना है पतला। बैटर बन चुका है, हमें ऐसा इतना पतला हमें बेसन का घोल चाहिए। अब हम इसमें देंगे धनिया पत्ता, थोड़ा सा महीन कटा हुआ मिला लेंगे। मैंने एक छोटा बाउल लिया है, इसमें हमें दो अंडे लेने हैं फोड़कर। अंडे में देंगे हम स्वाद अनुसार नमक, एक चौथाई चम्मच गोल मिर्च पाउडर काली मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच चिली फ्लेक्स, अच्छे से इसे मिला लेंगे हम। अंडे को मैंने मिला लिया है, बेसन का घोल बन चुका, अंडे को हमने फेंट लिया है और अभी हमें चाहिए दो चम्मच प्लेन मेयोनीज और हमें चाहिए कुछ ब्रेड। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पर तवा मैंने गरम करने रख दिया है, तवे में हम देंगे थोड़ा सा तेल, तेल को अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ से। अब हम लेंगे बेसन का घोल, बेसन के घोल में हम ब्रेड की स्लाइस देंगे इस तरह से और इसे लथपथ करेंगे। और अब हम इसमें तावे पे रखेंगे, इसे एक तरफ करेंगे, दूसरी स्लाइस देंगे, पलटेंगे हम इसे। दोनों तरफ से इसे मैंने सेक लिया है, इकट्ठा ऐसे मिला लेंगे। आंच को मैंने अभी धीमा कर दिया है और अब हम लेंगे फेटा हुआ अंडा और इस तरह से इस पे डालेंगे बेसन वाले ब्रेड पर दोनों भी। फिर से हल्की सी चिली फ्लेक्स देंगे, अगर आप तीखा पसंद कर रहे हो तो हल्की सी देनी है। गोल मिर्च पाउडर देंगे चुटकी भर। अंडा जो बाहर आया है उसे हम इस तरह से अंदर फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे पलटेंगे, पलटने के बाद हम इसे फिर से अंडा लगाएंगे दूसरी तरफ से। फिर से गोल मिर्च पाउडर छिड़केंगे, अब हम इसे भी पलट लेंगे। इसमें मेयोनीज लगाएंगे दोनों साइड से। फिर से हम थोड़ी सी गोल मिर्च डालेंगे हल्की सी चुटकी चुटकी भर, हल्की सी चिली फ्लेक्स। अभी हमें इसे इकट्ठा मिलाना है इस तरह से, प्रेस करेंगे बहुत बढ़िया से। और ये बन गया है बहुत ही बढ़िया से, मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खाते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।